नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज हम बात करेंगे सत्ता के गलियारे की, उस चर्चा की जहां महाद्रोह में महाभारत चल रही है। हम बात कर रहे हैं काम के उसको चुनाव की शीशा मऊ की, जहां पर समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनके गंगा जल चढ़ाने पर, या यूं कहें कि शिव मंदिर पी रोड पे स्थित वन खाड़ेश्वर शिव मंदिर पे जाकर के पूजा के बाद तो बवाल ही मच गया। आपको बता दें, हिंदू या मुसलमान दोनों ने उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्हें तो लगा था इसके माध्यम से हमें जमकर वोट हिंदुओं का मिलेगा। उनकी फिलहाल ये तरकीब कहीं हद तक काम भी कर सकती है, तो चुनाव के परिणाम के बाद पता लगेगी। लेकिन ये तय है कि इरफान सोलंकी की पत्नी ने एक बड़ा दांव खेल दिया, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष भी अब आक्रामक हो गया। आपको बता दें, कानपुर के मौलाना सलाहुद्दीन रब्बी ने कहा है कि एक तरह से उन्होंने गलत किया, मूर्ति पूजा इस्लाम में गलत है, और इस तरह उन्होंने पूजा करके ये साबित कर दिया है कि वो मुसलमान नहीं है, उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर अगर बात करें तो दारुल उलूम देवबंद के जो मदरसे चल रहे हैं, उनके भी मौलानाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है या दूसरे धर्मों की पूजा करता है तो मुसलमान नहीं। बात यह आती है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदुओं ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि जब वह शिवलिंग पे जलाधार दे रही थी, यानी जल का अर्पण कर रही थी, उसी समय वहां पर ब्रजेश पाठक बूथ अध्यक्षों की बैठक कर रहे थे। ब्रजेश पाठक भी नहीं रुके, उन्होंने भी जमकर आलोचना करी और कहा कि अब मंदिर पे आने के बाद भी इरफान सोलंकी के पाप नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि इरफान सोलंकी जो वहां के विधायक थे, वो लगभग 5 वर्ष की सजा उनको हो गई थी, 2 साल से ऊपर की सजा, जाजमऊ में एक मुस्लिम महिला की जमीन को हड़पने के मामले में, जिसमें सजा की कोर्ट के बाद अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वहां पर उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन पर योगी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कितनी बार भी वो महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक कर दे, उनके पाप धुलने वाले नहीं। वहीं पर यह माना जा रहा है कि इस पूरे प्राकरण के बाद उत्तर प्रदेश के सीसामऊ में, कानपुर में जो ये उपचुनाव हो रहा है, किस करवट बैठेगा अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ लोगों का मानना है कि मुस्लिम जो होते हुए जो नसीम सोलंकी है, उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है हिंदुओं के वोट लेने के लिए, वहीं मुसलमान भी उनसे खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ये नाराजगी बदली तो सपा के लिए आफत बन सकती है। फिलहाल सपा ने भी वहां पर कुछ कील कीटे दुरुस्त कर रखी है। अखिलेश यादव ने भी वहां अनुसूचित जाति बड़े नेताओं को पहले से ही लगा रखा है। फिलहाल ये मामला काफी तूल पकड़ गया है। अब महादेव पे जो महाभारत हिंदू और मुसलमान शुरू हुई है, देखना है कि 13 नवंबर को मतदान के बाद महादेव का आशीर्वाद किसको मिलता है, नसीम सोलंकी को या फिर सुरेश अवस्थी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो देखते रहिए लाइव न्यूज 24। थैंक यू वेरी मच।